फ्रेंड्स, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपका स्वागत है चैनल ब्यूटीफुल यू पर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप जब भी अपना मोबाइल ऑन करें ब्यूटीफुल यू चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं अपने बचे हुए मेकअप प्रोडक्ट को दोबारा से यूज में लाना? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने मेकअप प्रोडक्ट को रीयूज कर सकते हैं और उससे बना सकते हैं अपना खुद का होममेड कॉम्पैक्ट पाउडर। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर हम इसकी पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड, ट्रस्ट मी, मार्केट जैसे महंगे कॉम्पैक्ट पाउडर जैसा ही ये लुक आपके फेस पर देगा। और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। और चलिए इस कॉम्पैक्ट पाउडर को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फैमिली पर भी ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस कॉम्पैक्ट पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट टोन फेस पाउडर। यहाँ पर मैंने व्हाइट टोन का फेस पाउडर लिया है। आप चाहें तो कोई और अदर टैल्कम पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर व्हाइट टोन बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग यहाँ पर फाउंडेशन। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 फाउंडेशन हो रहे थे, मैं लैक्मे का यूज नहीं कर रही थी, तो आप भी वही फाउंडेशन इस्तेमाल कीजिए जो आप फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल है। आप किसी और ब्रांड का भी जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग डाबर गुलाबरी का रोज वाटर। आप चाहें किसी और अदर कंपनी का भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वही प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना खुद का कॉम्पैक्ट पाउडर। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे ब्यूटीफुली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। सो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बॉल, इसके अंदर हम ऐड करेंगे व्हाइट टोन फेस पाउडर। थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमें इसका ऐड करना है और कितना अमाउंट ऐड करना है वो आप इस वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट अप एंड डाउन कर दिया, लाइक ज़्यादा और कम कर दिया, तो मे बी वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में बन सकता है और यह ज़्यादा सॉलिडिफाइड फॉर्म में बन सकता है, तो आपके कॉम्पैक्ट पाउडर को ड्राई होने में टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने व्हाइट टोन फेस पाउडर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट टाइम एडिंग लैक्मे का यहाँ पर ये फाउंडेशन है। फ्रेंड्स, आपकी स्किन टोन के टाइप के जो फाउंडेशंस होते हैं आप वही ऐड कीजिए। लाइक अगर आपकी स्किन फेयरर है, मीडियम है या फिर डार्क है, आप वही वही फाउंडेशन इसके अंदर ऐड कीजिए। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाने से पहले हमें इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। व्हाइट टोन फेस पाउडर को और फाउंडेशन को अच्छी तरीके से हमें मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छी तरीके से आपस में डिजॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि अगर जरा से भी इसके अंदर लम्स रह गए तो वो हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर को ड्राई अप होने में और उसको सेट होने में दिक्कत कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके पास व्हाइट टोन फेस पाउडर नहीं है तो आप कोई और अदर टैल्कम पाउडर भी, लाइक जॉनसन एंड जॉनसन बेबी वाला भी ले सकते हैं। आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट व्हाइट टोन हमारे फेस के लिए होता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन द कंपेरिजन ऑफ टैल्कम पाउडर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इन दोनों ही प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था और ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। मैं इसके अंदर क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये उसको मॉइस्चराइज करके रखेगी और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी और नॉरिश भी करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर बन के तैयार होगा, क्योंकि आप इसको खुद बना रहे हैं तो आप इसमें अपना खुद का एलोवेरा या कोई और अदर इन्ग्रीडियंट भी ऐड कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए। अब अच्छी तरीके से हम एलोवेरा को भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। थोड़ा ही अमाउंट हम एलोवेरा जेल का लेंगे। ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि एलोवेरा ड्राई स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करके रखेगा और आपको कॉम्पैक्ट पाउडर को स्टेबल करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टाइम एडिंग डाबर गुलाबरी का रोज वाटर। यहाँ पर अगर आपके पास रोज वाटर फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड्स, आप नॉर्मल वाटर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका केवल वर्क इतना होगा, इसको ड्राई अप होने में हेल्प करेगा और ये वेपराइज होकर उठ जाएगा। तो आप यहाँ पर नॉर्मल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सभी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। इसके अंदर जो मेन स्टेप है वो बस यही है कि इन प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है और बिल्कुल भी इनके अंदर कोई भी लम्स या गुठली वगैरह जो होती है वो ना बने।
एंड फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो डेफिनेटली आपको गर्मियों में कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना चाहिए ताकि आपके मेकअप को स्टेबल करने में हेल्पफुल रहे, उसको सेट करने में हेल्पफुल रहे। तो इसलिए आपको कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स किया तो मुझको फील हुआ कि ये थोड़ा सा हमारा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर लूँगी। इसमें रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम जब मिक्स करते रहते हैं उसके बाद हमें पता चल जाता है कि कितना हमें इसको थिक रखना है, कितना हमें इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है, मॉडरेट रखना है। ना तो ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में हो ना ही ज़्यादा ये सॉलिड फॉर्म में हो, नॉर्मल स्टेट इसकी हो। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइटोन फेस पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है जिससे आपकी स्किन को ड्राई अप होने नहीं देगा, क्योंकि बहुत से लोग फाउंडेशन लगा के बीबी सीसी क्रीम लगा के बाहर धूप में जाते हैं और उसके बाद उनकी स्किन एकदम डल होने लगती है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए प्रेफर करूँगी कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर या कोई और अदर जैसे वाइटोन फेस पाउडर है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपके फेस पर स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी कम होगी और आपके मेकअप को स्टेबल करने में हेल्पफुल भी रहेगा। तो यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने, एंड मैं मिक्स करते करते इसको थक गई हूँ, बहुत टाइम हो चुका है इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और हम ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर देंगे और ये ऑलमोस्ट हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर का सॉल्यूशन है ये बनके तैयार हो चुका है। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि वाइटोन फेस पाउडर को इस्तेमाल करने के 5 तरीकों की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, लिंक ऊपर पॉपअप हो चुका होगा, आप ज़रूर उसको चेक कीजिए, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पुराना जो मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर था वो मैंने यूज़ कर लिया था तो उसका केस बच गया, इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरीके से ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे एंड मेक श्योर जो अमाउंट आप बना रहे हैं वो अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के केस जितने ही साइज़ का हो ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरीके से ड्राई अप हो जाए। एंड वाइटोन से रिलेटेड और भी सारी वीडियोस को चेक करने के लिए आप मेरे चैनल पर वाइटोन फेस पाउडर की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, डेफिनेटली वो वीडियोस आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगी फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, अब बारी आती है इसको ड्राई करने की। ड्राई करने के लिए हमें एक दिन का तो वेट करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हम रख देंगे और इसको ड्राई अप होने देंगे आराम से, और इसको बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है। सो फ्रेंड्स ड्राई होने के बाद ये कुछ इतना अमाउंट हमारे पास रह जाता है, जितना भी वाटर था वो हट गया है और ये हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है एकदम ड्राई फॉर्म में आ चुका है। लुक एट दिस कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो ये इस तरीके की पिगमेंटेशन दे रहा है, लाइट शेड है क्योंकि मेरा जो शेड है वो लाइट है तो इसलिए मैंने लाइट शेड बनाया, इसके अंदर वाइटोन फेस पाउडर ऐड किया है। अगर आपकी स्किन डार्कर है तो आप इसके अंदर कोकोआ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इसको स्पंज की हेल्प से लगाएंगे तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो लुक एट दिस, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो स्पंज है जिसकी हेल्प से हम लगाएंगे उस पर भी बहुत ही आसानी से आ रहा है, क्योंकि फिंगर से तो हम ले ही लेंगे बट हमें तो स्पंज से लगाना होगा, तो ये उस पर भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। एंड ये एकदम नेचुरल लुक देगा कि लाइक ये भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया हुआ है यह बहुत कम दिया हुआ है, एकदम नेचुरल लुक आपके फेस पर देगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा वर्क लग रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे इसका लगा। सो फ्रेंड्स आप भी इसको ट्राई कीजिए, अगर आपके पास कोई अपना पुराना मेकअप प्रोडक्ट रह गया है जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ब्यूटीफुली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और साथ में ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।